ओ भाई साहब, अरे बाप रे डूडी, ओ यार ये तो बड़ा ही गहरा है यार, कैसे बैठेंगे इसके बीच में? मुझे लगता है साला इसके अंदर बैठने की तो बाद की बात है, मेरे को लगता है इसमें बैठते अगर ऊपर मिट्टी पड़ेगी ना तो मैं वैसे ही निकल जाऊंगा बाहर। यार जो भी हो देखो, आई एम सो एक्साइटेड मैन फॉर सम रीजन, देखो कितना ठंडा है ब्रो, इसलिए अंदर यहाँ पे हमने एसी लगाया। अंदर ठंड की है, बाहर गर्मी है भैया। आई फील लाइक कि जो भी अंदर बैठेगा उसके लिए तो अच्छा ही होगा ना। तो तू चली जा। नहीं मैं तो जाऊँ। फैमिली आपका स्वागत है हमारी एक और वीडियो में, और ये वीडियो सबसे आसान नहीं होने वाली है। जी हाँ, कि फैमिली इसके बीच में बहुत डेंजर है और बहुत कीड़े मकोड़े भी आ सकते हैं। जी यार फैमिली देखो, कोई डेंजर का तो पता नहीं, बट एक चीज है, जो भी अंदर जा रहा है उसको अंदर जाके बहुत ज्यादा ठंडा ठंडा कूल कूल फील होने वाला है। इन खाई में जाएंगे हम तीनों में से सिर्फ दो बंदे, या एक बंदी एक बंदा, या फिर एक बंदा एक बंदा, या फिर एक बंदा एक बंदी, या फिर बंदी 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 बंदी, कोई है ही नहीं क्योंकि भाई सिंगल है। अरे यार ये बोलना जरूरी है, सॉरी मुझे माफ करना। ओम साई राम, सबसे पहले लूंगा मम्मी डैडी का नाम। सो गाइस, अब पता नहीं है कि कौन कैसे जाने वाला है अंदर, लेकिन ये हम कर रहे हैं लास्ट टू लीव, यानी कि एक होगा होस्ट और बाकी दो सहेंगे ये वाली मिट्टी मिट्टी। सो फैमिली अभी हम करने जा रहे हैं रॉक पेपर सीजर्स और देखते हैं कि कौन से वो दो बंदे मिट्टी के अंदर जाएंगे। आर यू रेडी? आई एम रेडी मैन। आर यू रेडी? यस। So guys, ये जो अंदर जा रहे हैं लास्ट टू लीव होने वाला है। अब ये बताइए कि संजय अगर आप जीतेंगे तो आपको क्या चाहिए? या मेरे को ट्रिप चाहिए, यू नो व्हाट, इस बार कहाँ पर? मुंबई की। मुंबई ट्रिप? हाँ। ओके संजय नीड्स अ मुंबई ट्रिप। आपको? यार सेम, मुझे भी जाना है। ये क्या बात हुई, अकेला क्यों जाए? तो जो जीतेगा उसको मिलेगी मुंबई ट्रिप। जी हाँ, वो भी स्पॉन्सर्ड बाय पापा। पापा अगर आप व्लॉग देख रहे हैं तो जल्दी से पेटीएम करो यार, पूछ तो लिया करो यार, जब दिल करता अपने आप ही स्पॉन्सर करवा देते हो यार। आर यू रेडी? आई एम रेडी मैन। शुड आई गो इन फर्स्ट? या यू कैन। ओके संजय घुस चुका है। आई एम सो स्कैर्ड ड्यूड। उस हिसाब से बैठेगा जिस हिसाब से आप लास्ट लिव कर सके, क्योंकि ये गाइस, क्योंकि हमारे ब्लॉग का आजकल बजट थोड़ा कम चल रहा है, तो इसलिए हमने घर पे ही पट्टा पटैया कर दिया है, यानी कि घर पे ही खोदम खुदाई कर दी है। ओह माय गॉड, नहीं तो ठंडी मिट्टी है यार, तो बहुत ज्यादा हैवी है ब्रो, मेरे हाथ दब गए। ओए ओए ब्रो, ये बहुत हैवी है, साइड पे करो यार। यार फैमिली जो भी हो, ठंडा बहुत है। इसलिए हमने संजय को पहले भेजा है। I'm joking. Mamma mia. ये तो ठाकुर लग रही है। हाँ, अगर आपने नई व्लॉग देखा है प्रैंकिंग माय चाइल्डहुड फ्रेंड, उसके बीच में इसका पोर्शन आया था दीक्षा का। और इन लोगों ने मेरा खड्डा ज्यादा अंदर को घुसा हुआ है, तो मैं तो पूरी अंदर दब गई हूँ। फैमिली एक चीज है, चाहे अंदर हल्का सा दबा दबा फील हो रहा है, बट इट इज वेरी चिल्ड, ऐसा लग रहा है अंदर इनो एसी लेफ्ट राइट ऊपर नीचे हर जगह से चल रहा है। I don't think so. मेरी साइड की मिट्टी इतनी ठंडी है, I am not feeling. Guys, अर्थक्वेक आ रहा है क्या? है? ये देखो। नहीं ये देखो। ओह 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 माय गॉड, वाओ अर्थक्वेक। अटक गए। ये क्या लॉजिक था दोबारा? आपको पता है ना, इंसान मिट्टी से बने होते हैं। हाँ तो ये कलर क्यों? इसलिए हम मिट्टी से मैच करते हैं। मिट्टी चिट्टे रंग की भी होती है, काले रंग की भी होती है, ब्राउन। तो तेरा कहने लो चिट्टी चिट्टी मिट्टी से चिट्टे लोग बने हैं? हाँ। ये रेसिस्ट गाय, रेसिस्ट गाय, ये रेसिस्ट है। फैमिली आई एम नॉट एट ऑल अ रेसिस्ट। शर्म कर ले थोड़ी सी पागल। मैं क्या, मैंने
तो मेरे को बोलती है कि मेरे सिस्टम। जैसे कि आप देख सकते हैं बच्चों का थोड़ा सा दिमाग खराब हो गया है, गर्मी ज्यादा है, पसीने छूट रहे हैं, मच्छर काट रहे हैं, बट इट्स ओके। भूख लगी है, खाना दो, खाना दो, खाना दो। साला इनकी तो सेवा पे लग गया मैं, इससे तो मैं अंदर चला जाता, मिट्टी में मैगी खा रहे। अगर आप ऐसे ही सेवा करने वाले हो हमें बिठाए रखो, हम दोनों बॉम्बे चले जा सकते हैं मुझे लगता है। मैं कहती हूं दीक्षा अपना टीम अप करते हैं, हम दोनों बैठे रहते हैं, दोनों बॉम्बे जाएंगे। हाँ। बेटा उसके लिए मैं बैठा हूँ, ये चैलेंज है, तुम्हारे कोई बाप का खेल नहीं है ये। खेल देखो पापा का ही है, पैसे जिन्होंने देने तो उनका ही खेल हुआ ना। ओ यार मुझसे पूछ तो लो यार कि मैंने पैसे देने हैं कि नहीं देने, अपने आप ही चले जाओगे बॉम्बे। मेरे को ना आपकी टेक्निक पता लग गई है। कौन सी? फैमिली आपको पता ये ना जानबूझ के मैं ज्यादा खिला रहे, बिकॉज अगर मैं बाइट ले रहा हूँ ना मेरे यहाँ पे फंस ही जा रहा है पेट में, क्योंकि पेट पूरा दबा हुआ है। सो यू नो व्हाट, आई एम नॉट गोना ईट। बड़े खराब हो, देख रहे हो, हंस भी रहे। यार तेरे को कैसे पता लगा? कैसे पता कैसे लगा, मैं खा रहा हूँ मुझे पता लग रहा है अंदर जा ही नहीं रहा फूड मेरे। इसने अभी मैगी खा लिया, अब इसका डकार फंस गया है। फैमिली नाउ आई डोंट नो व्हाट टू डू, खा तो ली मजे में अभी। So guys, अब मैं इन दोनों के बीच में करवाने वाला हूँ कॉम्पिटिशन, यानी कि इनको खानी है ये दो आइसक्रीम्स, वो भी बिना हाथ लगाए मैं रख दूंगा, इनको खानी पड़ेगी, और जिसने सबसे पहले खा ली उसको उसकी मन पसंदीदा चीजें मिलेंगी। आर यू एक्साइटेड गाइस? नो। एग्जैक्टली, हाथ अगर टच हुआ तो आपको वो चीज नहीं मिलेगी। चल दीक्षा आर यू रेडी? मेरी मार्केटिंग स्ट्रेटजी नहीं चलेगी। आपने किया क्या है? मैंने इसके ऊपर तो फिर जल्दी खाने को होएगा ना मुझे। आपका टाइम गो दीक्षा। जैसे कि आप देख सकते हैं दीक्षा ने बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस कर रही है, चाटने में ही लगा हुआ है। चार बज गए, मैं यहाँ पे सेट कर दूँ जरा। कर लो दीक्षा, कुछ अपनी स्ट्रेटजी के बारे में बताना चाहोगे? नीचे गिरी हुई है। खानी पड़ेगी भैया आपको, अगर फेवरेट चीज चाहिए तो खानी पड़ेगी। कितना खाऊंगा अच्छी यार, भी खा ले। मेरे को अपना स्पेशल वेपन बनाना ही पड़ेगा। आए आए संजय क्या कर रहा है? मुझे पहले में मेरे अंदर टी-शर्ट के अंदर मिट्टी जग फेंकी है यार। ओ यार रुक जाओ ना, ये मिट्टी फाइट करी जा रही है यार। क्या इनके बीच में लड़ाई हो चुकी है गाइस? अरे मैं यार तेरी मदद कर रहा हूँ ना, पानी डाला। कब से मैं रोक रहा, रुक जाओ रुक जाओ, तुम रुकते ही नहीं हो, तुम रुकोगे तो तूने फेंकी है, तूने फेंकी है। दीक्षा क्योंकि आप जीते हैं तो आपको मिलती है अपनी बुक पढ़ने का मौका। हाथ देखो मेरे, इससे कैसे साफ करूंगी डूडी? बुक पढ़ने का मौका मैं पढ़ाऊंगा। टू द गर्ल यार डोंट राइट इट, इट्स ऑल 18 प्लस। अच्छा 18 प्लस है तो हम देख लेते हैं कितना 18 प्लस है, हमारे बच्चे कौन से बड़े बड़े नहीं। टू द गर्ल्स हु ड्रीम ऑफ मीटिंग अ प्रिंस बट एंड अप फॉलिंग फॉर द मिस अंडरस्टूड विलन। ओके यानी कि मेरी बात हो रही है। चैप्टर 1 द लास्ट टाइम आई अटेंडेड अ फ्यूनरल, आई फ्यूनरल फ्यूनरल I funeral. 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 I end up with broken arms. Wow. Arms नहीं है, arms नहीं है. है broken arm. ऐसा? The story made headlines after I threw myself into my mother's. Okay, okay, guys. ये ज़्यादा 18 plus वाकई है. हम इसके बारे में नहीं बात करेंगे. हम कोई भी book में से पहली line पढ़ेंगे किसी भी page में से और वो line बताएगी कि हम तीनों का fortune क्या है. Ready? संजय करिए 1, 2, 3. पहली line. Look on his face. All right. So why are you thinking of getting rid of the
ओल्डेस्ट राइड। कौन सी घुड़सवारियां कर रहे हो? पढ़ते हैं। गो। हैंड एंड फुट। आहा। इफ माई मॉम स्माइल्ड एट समथिंग माई डैड फाउंड अ वे टू ओन फॉर मोर। ओ या ब्रावा, बात करो कितनी गंदी बुक है। कैसे बच्चे आजकल कितनी जल्दी बड़े रहते हैं। गाइस, अगर आपके घर में आपकी बहनें आपके भाई ऐसी कोई नॉवल पकड़े बैठे हैं तो मामला गड़बड़ है। टूटी के हाथ से पेज ही ऐसे खुलते हैं बाबरे। तो अभी मुश्किल घड़ी ये है कि काफी टाइम हो गया, रात होने वाली है और बच्चों ने निकलने का नाम नहीं लिया है क्योंकि बच्चों को लगता है कि मुंबई का ट्रिप इनका यहीं से स्पॉन्सर होगा। सो ये बेसिकली एक आशा है पापा के आगे, एक भीख मांगने का जरिया है जो इन्होंने चूज किया है। मेरे तो अकाउंट में इतने पैसे हैं कि मैं जा सकता हूँ खुद ही टिकट करवा के, तो मैं ठीक हूँ। तो आप हमारी स्पॉन्सर कर दो ना टिकट। एक ही बंदे की कर पाऊंगा एक टाइम पे। मेरी कर दो यार। ड्यूटी मेरी कर दो यार। तुम साबित करो ना खुद को। आप अभी जाके आए हो यार। अभी कभी अभी तो जाके आए हो। अभी कल ही जाके आए हो। आप ये देखिए, फैमिली दो दिन पहले वापस आए ही है। तो फिर क्या हुआ, मुझे फिर से बुलावा भी तो आ ही सकता है। क्या बुलावा आ रहा है? क्या पता वहाँ पे कोई वेट कर रही कर रहा यू हो। मैं अभी पता नहीं 100 वेट कराने को रखी हुई है इन्होंने उधर। चलो गाइस, ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं नहीं, सो के सो के सो के। इनके एक्चुअली गर्लफ्रेंड है। टू गर्ल्स एट वन टाइम। फाइव नहीं डूडी, टू है। झूठ मत बोलो। गाइस ये मैंने इनको पैसे दिए मेरी थोड़ी इज्जत बनाने के लिए। थैंक यू। पैसे दो, जीपीए चाहिए। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। सो गाइस मैं इन दोनों को मौका देता हूँ कुछ भी चीज लाने का। संजय इफ यू हैव एनीथिंग यू कैन टेल इन माय ईयर। आगे आओ आगे। सरप्राइज। खेलते थोड़ा यार, फोर्टनाइट वैलोरेंट दोनों खेलेंगे लेके। तो आज संजय ने सारी हदें पार कर दी हैं, वो ले आया है अपना गेमिंग पीसी। हेलो गाइस, क्या हालचाल, वेलकम टू माय गेमिंग चैनल। यार ये तो पागल बनती है यार, ये तो पागल बनती है। व्हाट बुलशिट इज दिस। वाह गाइस, मैंने पंखे लगवा दिए हैं इनको ताकि मच्छर ना काटे, लेकिन ये बाहर आने का नाम नहीं ले रहे हैं। लाइक यू आल्सो टोल्ड हिम कि यार ठीक है ले ले, ऐसे थोड़ी ना होता है। अरे तो और मैं क्या बोलूं, बेचारा कब का अंदर बैठा है। तो मैं नहीं बैठी हूं। तो तुमने तुमने स्प्राइट मांगी, तुम्हारी प्रॉब्लम। अली भैया आप हमें ये बताएं कि इन्होंने आपका जो गार्डन खराब किया है इसे ठीक करने में कितना वक्त लगेगा? 10 दिन लगेगा। 10 दिन लगेंगे? तो 10 दिन जाएंगे पूरा? खोदेंगे बराबर करेंगे फिर उसके बाद डालेंगे। भाई तो क्या कर रही रिक्शा, क्या कर रही है यार? देखो डूडी, माली अंकल ने बोला है कि यू नो 10 दिन में घास उगेगी, तो मैं उनकी हेल्प कर रही हूँ कि पहले घास आ जाए, बिकॉज इन दी एंड अगर हम लोग उनको स्प्राइट पिलाएंगे सो दे'ल बी हैप्पी, ग्रो जल्दी। क्या बोलती रहती है लड़की, क्या बोलती रहती है। मजाक है ये सब। कैसा लगा मेरा मजाक? ओह कॉकरी लुक्स गुड, कॉकरी वी कैन गो फॉर इट। एंड व्हिच वन, लेट्स गो विद स्नेक एंड कॉकरोच। गाइस डिड यू लाइक माय ट्रीज? कहो ये बड़ा है, ऐसे जो मत कर। I will protect my trees. Hi, hi. Guys, do you like my cannonballs? You do it. क्या हुआ? मेरी आँखों में मिट्टी लगी है। मिट्टी लगी है। ये क्या नीचे क्या पड़ा? मिट्टी लगी है। ये देख नीचे देख। एंड करते हैं, जो सबसे पहले बाहर निकला उसको मिलेगी टिकट टू मुंबई। आज संजय बेसिकल दीक्षा के मुंह में मिट्टी मार रहा है ताकि दीक्षा रुक जाए। क्या हुआ? लेकिन आप मुबारक हो, जीते मुंबई की। यही तो ट्रिक क्वेश्चन था, संजय हार चुका है।
तुम चैलेंज का नाम भूल गए? ऐसी डिग्री है।